सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, आप्टस वैल्यू के आईपीओ की लिस्टिंग आज मार्केट में हो चुकी है और इसकी लिस्टिंग थोड़े से डिस्काउंट प्राइस के साथ होती हुई नजर आई। आपको बता दें कि इस आईपीओ का इशू प्राइस करीब 353 रुपए के आसपास रखा गया था, यानी 353 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट हुआ है और इसकी लिस्टिंग करीब 337 रुपए के आसपास देखने को मिली। यानी लिस्टिंग के दिन निवेशकों को थोड़ा सा यहां पर नुकसान होता हुआ नजर आया। और देखिए, 5 मिनट का चार्ट है, लिस्टिंग होने के बाद ये थोड़ा सा नीचे जरूर गया, लेकिन 5 मिनट के अंदर ये काफी ऊपर की छलांग लगाता हुआ नजर आया और आप देख सकते हैं धीरे-धीरे इसमें तेजी बनती हुई नजर आई। और देखिए, यहां पर आधे एक घंटे तक इसने जो हाई बनाया करीब ये वाला लेवल था 347 रुपए के आसपास का लेवल, उसके बाद थोड़ी सी इसमें गिरावट हुई और उसके बाद एक बार फिर से ये लंबी छलांग लगाता हुआ नजर आया और अपने इशू प्राइस के आसपास इसमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला, यानी कि स्थिर टाइप हो गया। देखिए, ये ऐसा यहां पर इसीलिए देखने को मिला क्योंकि देखिए यही इसका इशू प्राइस था और इशू प्राइस के ये आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, जिससे बहुत सारे निवेशक जो डरे हुए थे या फिर जिन्होंने लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाया होगा उन्होंने यहां पर बिकवाली की थी। आप देख सकते हैं यहां पर बिकवाली आपको साफ साफ नजर आ रही है, यानी कि ये ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन जो सेलर्स हैं, जो बेचने वाले हैं, वो यहां पर इसको नीचे ढके लेते और उसके बाद इसमें गिरावट भी देखने को मिली। आप देख सकते हैं ये फिर से गिरता हुआ नजर आया और करीब 340 रुपए का जो लेवल है यहां पर ये वापस से सपोर्ट लेता हुआ नजर आया और देख सकते हैं आप यहां पर आधे घंटे तक ये कंसोलिडेट करता हुआ और इसके बाद लास्ट के जो 10 मिनट थे मार्केट क्लोज होने के पहले जो 10 मिनट थे उसमें इसमें काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली और वापस से अपने इशू प्राइस के आसपास ये क्लोज होने में यहां पर सक्षम रहा। तो यहां पर आप देख सकते हैं काफी बढ़िया इसकी लिस्टिंग है। जो दूसरे आईपीओस हैं जिनकी लिस्टिंग पहले हो चुकी है 2-3 दिन पहले, या फिर जो पिछले 4 आईपीओ थे उनकी लिस्टिंग की बात करें तो उनसे मैं यहां पर बहुत ही बढ़िया लिस्टिंग मानूंगा, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट था और जिस तरीके से अनुमान यहां पर लगाया जा रहा था कि करीब 10-15% की गिरावट देखने को मिल सकती है, वैसा यहां पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला और यहां पर अगर देखें तो मात्र 1-2% की गिरावट है, तो वो तो मैनेज हो जाएगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर जो डरे हुए निवेशक थे या फिर जो शॉर्ट टर्म यानी लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाए हुए थे, निश्चित रूप से उन्होंने बेचकर सही किया। और अगर आपने नहीं बेचा, आप शॉर्ट टर्म के या लिस्टिंग गेन के निवेशक थे, तो आपको निश्चित रूप से वो मौका तलाशना चाहिए जहाँ आप इस शेयर को बेच सकें। अब बात कर लेते हैं उनकी जिनको ये शेयर नहीं मिला था, उनको खरीदने का बहुत ही बढ़िया मौका यहाँ पर था। और देखिए, अभी भी मौका है क्योंकि इशू प्राइस से तो नीचे चल ही रहा है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन से नीचे आएगा तो निश्चित रूप से आप वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। तो देखिए, यहां पर लॉन्ग टर्म के जो निवेशक हैं निश्चित रूप से उनको यहां पर खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि यहां पर इशू प्राइस से भी नीचे ये शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, उनकी बात करें जो होल्ड किए हुए हैं, निश्चित रूप से होल्ड जिन्होंने किया है वो लंबे समय के लिए यहां पर होल्ड कर रहे होंगे और ये एक सही बात भी है, क्योंकि देखिए यहां पर इसमें लिस्टिंग गेन तो बिल्कुल भी नहीं मिला और कंपनी देखिए उतनी भी खराब नहीं है कि यहां पर 20-25% का लिस्टिंग गेन भी आपको ना मिले। तो अगर आप इसमें बने रहते हैं तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 2-3 महीने में आपको 30-40% का यहां पर प्रीमियम या फिर कह लें कि रिटर्न यहां पर जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। तो अगर आप इस शेयर में बने हुए हैं तो निश्चित रूप से बने रहना चाहिए। जो गिरावट है वो 2-3 दिन की होती है, 2-3 हफ्तों की होती है। जो पुरानी कोरोना की गिरावट थी वैसी यहां पर गिरावट नहीं थी, हालांकि मार्केट में दबाव जरूर था, लेकिन निश्चित रूप से वैसी गिरावट यहां पर ना तो अभी आने वाली है और ना यहां पर अभी थी। अभी जो छोटा मोटा
गिरावट का दौर था, मुझे लगता है कि वो जाता हुआ नजर आएगा, और जैसे ही वो जाएगा यहाँ पर आपको खरीदारी आती हुई नजर आएगी और यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया मुनाफा होने की संभावना है। तो देखिए, आप और भी दूसरे सारे शेयर जो हैं वो ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपने जो 15-20 हज़ार रुपये यहाँ पर लगा के रखा है, किसी को 2-3 लॉट अलॉट हुए हैं, तो मेरा मानना यही है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं या फिर आप कर सकते हैं, आपके पास दूसरा पैसा है दूसरे जो IPO आएंगे उनको लगाने के लिए, तो निश्चित रूप से आपको इस शेयर में होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्टली ये भी आपको रिटर्न देगा ही, तो आपको यहाँ पर भी बने रहने की सलाह रहेगी। और देखिए, जो निवेशक यहाँ पर नहीं अलॉट हुआ था जिनको, या फिर जो अभी निचले स्तरों पर नहीं खरीद पाए, तो उनको भी अगर मौका मिलता है तो वो यहाँ पर खरीदें, और मुझे लगता है मौका अभी भी है क्योंकि इशू प्राइस के आसपास ये चल रहा है, तो वहाँ पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं और वहाँ से भी इसको होल्ड किया जा सकता है। मैं आपको बता दूँ कि 2 से 3 महीने में करीब 20 से 40% का रिटर्न इस कंपनी में आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको अपने हिसाब से फैसला लेना है कि आपको होल्ड करना है, खरीदना है या बेचना है, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से इसमें सलाह ज़रूर लेना है। मेरा मानना शुरू से ही रहा है कि ये कंपनी उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है और ये आपको रिटर्न देने की क्षमता रखती है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपके लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर चार्ट पर डेटा ज़्यादा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर अभी जो लेवल्स हैं वो बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो शेयर बढ़िया है, शेयर में कोई दिक्कत नहीं है और कंपनी भी बढ़िया है, कंपनी मुनाफे में चल रही है, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, तो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को होल्ड किया जा सकता है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।